हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बबीता एंड आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है अंडर 100 रुपीज मेकअप चैलेंज। सो मैं जितना भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करी वो अंडर 100 रुपीज है। एंड गाइस, थोड़ा सा अगर रेंज ऊपर नीचे होगा तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मुझे आपको अंडर 100 रुपीज में अच्छा प्रोडक्ट भी बताना था, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो प्लीज माइंड मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। नाउ मूविंग टू द वीडियो। आफ्टर स्किन केयर मैं यूज कर रही हूँ प्राइमर। सो मैं प्राइमर के लिए ये एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा प्राइमर का काम करता है। एंड गाइज, आप बोलोगे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, अंडर 100 रुपीज़ में ये नहीं जा रहा, बट मेरे पास ये पहले से पड़ा हुआ था तो मेरे को 100 रुपीज़ में दूसरा बाय करने का उतना नीड नहीं था। तो आप चाहे तो अंडर 100 रुपीज़ में आप पतंजलि का भी ले सकते हैं। सो आपका ये प्राइमर का तो काम करेगा ही और अच्छे से चेहरे को मॉइस्चराइज कर देगा। सो मेरे पास फाउंडेशन के लिए 3 प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ये है एलेटीन का फाउंडेशन, इसका प्राइस पूरा 100 रुपीज़ है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। देन मेरे पास एन बाय वे का फाउंडेशन प्लस कंसीलर स्टिक है, इसका प्राइस समथिंग 86 रुपीज़ है। देन इसका बदले आप अगर आप लाइट मेकअप करना चाहते हैं तो आप ये गार्नियर का बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, इसका प्राइस समथिंग 75 रुपीज़ होगा। सो मैं ये दोनों तो यूज़ कर चुकी हूँ तो इसको मैं दिखा रही हूँ। मेरे स्किन से थोड़ा सा लाइट होगा शायद। इसी को पूरा फेस में डॉट डॉट करके यूज कर लूंगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये बीबी क्रीम उतना अच्छा कवरेज नहीं दिया तो मैं यूज कर रही हूँ ये वाला स्टिक फाउंडेशन प्लस कंसीलर। तो इसको कंसीलर के जैसे भी यूज कर सकते हैं आप, फाउंडेशन के जैसे भी यूज कर सकते हैं। सो एज अ कंसीलर भी मैं यूज कर ले रही हूँ। देन इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। गाइस, अगर आप थोड़ा सा अच्छा वाला कवरेज चाहते हैं तो आप ये वाला कंसीलर ले सकते हैं, NYV वाला बहुत अच्छा है। और बीबी क्रीम अच्छा है, जो लोग का ब्लेमिशेस नहीं है, चेहरा पे कोई निशान नहीं है, अच्छा स्किन है उन लोग पे, बट मेरे पे नहीं सूट किया उतना। मतलब डेली वेयर के लिए ठीक है, डे टाइम के लिए। तो कंटूर के लिए सेम NYV का कंटूर स्टिक ले रही हूँ, सेम है बस ये डार्कर शेड है, शेड नंबर टोस्ट है मेरा। देन इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड अंडर 100 रुपीज मेकअप लेने का मतलब ये नहीं कि पूरा सस्ता वाला लेते जाए, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का भी होना चाहिए, कि कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे काम का भी हो, ऐसे फालतू लेके बर्बाद हो जाएगा नहीं तो ना, क्योंकि अंडर 100 रुपीज में प्रोडक्ट लेना भी है और अच्छा भी होना चाहिए ना। कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज करी ये पोन्स का पाउडर। आप चाहे तो कोई सा भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं, अंडर 100 रुपीज में मिल जाएगा आपको ब्लू हेवन का, बट मैं कॉम्पैक्ट के जगह ये पाउडर यूज कर रही हूँ। इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा थोड़ा लगा लूंगी। सो मैं अच्छा से अपने फेस को सेट कर लूंगी। फॉर माई ब्लश मैं यूज करी ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक इन दी सेड 08। इसकी जगह आप ब्लू हेवन का ब्लश किट भी यूज कर सकते हैं, बट इसका प्राइस थोड़ा सा मेरा बजट से, मतलब अंडर 100 रुपीज से बाहर जा रहा है, तो मैं ज़्यादा ही बाहर जा रहा है क्योंकि इसका प्राइस है 175। सो मैं ये वाला लिपस्टिक यूज करी, इसका प्राइस अंडर 100 रुपीज में मिल जाएगा। तो मेरे को हाइलाइटर उतना सस्ता में नहीं मिला तो मैं हाइलाइटर स्किप कर रही हूँ, बट अगर आप लेना चाहते हैं हाइलाइटर तो ले सकते हैं, बट मैं इसमें स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंडर 100 या फिर उसके आसपास तक नहीं मिला। सो फॉर माय आईब्रोज मैं ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये ब्रश वाला नहीं है क्योंकि ब्रश वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ये बिना ब्रश वाला है और इसका शेड है ग्रे। सो मैं फटाक से अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। आई शेडो के लिए ये
ब्लू हेवन का आई शेडो किट, इसका प्राइस है 125। सो उतना में आपको आई शेडो मिल रहा है। सो लेट्स ट्राई, कैसे लगता है ये वाला। मैं अभी तक यूज नहीं की उसको। सो इसके साथ आपको चार शेड मिलता है, ग्रीन, ग्रे, पिंक और गोल्डन। सो काफी अच्छा दिख रहा है, क्यूट सा पैकेजिंग है इसका। सो अभी ट्राई करते हैं कैसे लगता है। मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। देन मैं क्या करूंगी, ये ग्रे शेड अपने आउटर वी पे थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, हल्का हल्का इनर कॉर्नर तरफ लाके ब्लेंड करूंगी इस तरह से। इसके बाद गोल्डन वाला शेड लेके अपने हाफ क्रीज में लगा लूंगी। तो मैं इसको फिंगर से लगा रही हूँ। सो आईलाइनर के लिए मैं ये NYB का ही आईलाइनर यूज कर रही हूँ और इसका प्राइस आपको 50 rupees अंडर में मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता है ये वाला और अच्छा भी है। मस्कारा के लिए मैं ये ब्लू हेवन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। फॉर माई लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक लिपस्टिक इन दिस शेड 11। ये काफी अच्छा ब्राउन शेड है जो डस्की स्किन टोन पे सब पे ही अच्छा दिखेगा। देन बारी आईलेसेस, तो आईलेसेस के लिए मैं ये वाला आईलेसेस लगा रही हूँ। कहीं भी आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में, या फिर ये 150 का 5 पीस आपको मिलता है जो फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी। सो आईलेसेस लग चुका है और ये मेकअप लुक कम्प्लीट। एंड गाइस बताना ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा और अंडर 100 rupees मेकअप सेलर्स में क्या आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आप आगे देखना चाहते हैं 200 मेकअप प्रोडक्ट, 300 और या फिर 50 rupees, तो आप कमेंट कीजिएगा एंड बता सकते हैं ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।